नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्र उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने प्रेसवार्ता कर भाजपा पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि भाजपा ने समाजवादी के कराए गए विकास कार्यों को अपना बताकर किए उद्घाटन। भाजपा हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। किरणमय नंदा ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर कहा कि भाजपा पूरी तरह से विफल है। भाजपा राज में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो रही हैं, लेकिन जनता सच जान चुकी है। आने वाले 2022 चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। अमित शाह के 403 बूथ प्रभारियों के साथ संवाद को लेकर कहा कि भाजपा अपनी हार से बौखला गई है। तभी गृहमंत्री बूथ प्रभारियों से संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जो भाजपा कभी नहीं करा सकती। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रसपा और बाकी सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी के गठबंधन पर साफ इनकार किया और कहा कि वो भाजपा की बी टीम है। मुस्लिम पहले भी सपा में था और इस बार भी सपा को ही वोट करेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, जी आपको कई लोग जिन्ना को लेकर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं जिन्ना के, तो क्या लग रहा है आपको? अरे आप जिन्ना का बारे में क्यों पूछ रहा है? जिन्ना को अब चला गया तो आज जिन्ना का बारे में पूछो तो आदवानी को जाके पूछो। तो आदवानी को जाके पूछो, भाजपा का जो नेता आदवानी को जाके जिन्ना का बारे में पूछो कि जिन्ना का बारे में जो किताब लिखा था आदवानी की किताब लिखा था, आज जिन्ना का इतनी प्रशंसा किया उनका किताब में, तो आदवानी जी को पूछो जिन्ना का कितना महत्व था, जितना जिन्ना का कितनी आज़ादी के लिए जितना जिन्ना का कितनी समृद्ध था। अखिलेश यादव ही तो कह रहे हैं कि जिन्ना, अरे सही है, आज देश भाग हो गया, इसके पहले जब आज़ादी का लड़ाई हुआ था जिन्ना तो लड़ाई में जिन्ना तो शामिल थे, जिन्ना का तो बहुत सहयोग था। आज ये सब जिन्ना भी ना जो नाम लेके आते हैं भाजपा केवल हिंदू मुसलमान का लड़ाई चाहते हैं, इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान धर्म का नाम पे लड़ाई करो, हिंदू मुसलमान नाम लड़ाई करो, शमशान पाकिस्तान नाम के लड़ाई करो, यही तो उनका पास मुद्दा है। रमजान और दिवाली का नाम की लड़ाई करो, कोई विकास का मुद्दा उनका नहीं आता है। और भाईचारा तोड़ना तोड़ दिया, और भी जो भाईचारा है उसको तोड़ना चाहते हैं और हम लोग भाईचारा को जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए देखिए भाजपा छोड़ के आज सभा में आया, कांग्रेस छोड़ के बहुत आदमी सभा में आया, भाजपा छोड़ के बहुत आदमी आज सभा में आया। क्यों? हार वर्ग हार वर्ग सभा में जोड़ना चाहते हैं। क्यों? सपा हार वर्ग हार वर्ग हार धर्म का राजनीतिक दल सपा है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।